हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद मानवी। इन माय फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पर बेसिक डिस्कस किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सेशन ज़रूर पसंद आया होगा और वो ज़रूर ही आपके लिए उतना ही हेल्पफुल भी रहा होगा। सो इन दिस सेशन मैं आज नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेशन में देखा, रियल नंबर्स पर हमने अच्छे से डिस्कस किया, बेसिकली डिस्कस किया कि किस तरह से रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन रियल नंबर्स क्रिएट करते हैं। सो अकॉर्डिंग दैट बेसिक आज हम इरेशनल नंबर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स। ओके, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स। ओके, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 और इसी तरह के ऐसे नंबर्स जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ओके, नाउ आई जस्ट सॉल्व सम थ्योरिकल क्वेश्चन रिलेटेड विथ इरेशनल नंबर्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, इन दिस चार्ट आप देख सकते हो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। ओके, तो मतलब रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आते हैं, चाहे वो रैशनल्स हो, इरेशनल हो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सभी नंबर्स आते हैं। ओके, सो और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे √2, √3 और ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में भी हों बट विदाउट एनी फॉर्म, जिनमें कोई भी पैटर्न नहीं हो। ओके, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? ट्रू और फॉल्स? जैसे कि आपने देखा इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, लाइक रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। जस्ट प्रेजेंट इन दिस लाइन विच प्रेजेंट अ नंबर लाइन, जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 सभी नंबर्स होते हैं। ओके, इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शंस फॉर्म ऑल्सो लाइक 2/3, इरेशनल टाइप, रैशनल, सभी नंबर्स होते हैं इन नंबर लाइन जो कि रियल नंबर लाइंस को प्रेजेंट करते हैं। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? आप इस लाइन में देख सकते हो जिसमें रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं, फ्रैक्शंस, नेगेटिव इंटीजर सभी हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर लाइन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो दिस इज फॉल्स। Question number next. Every point on the number line is of the form root m, where m is natural number. First, I just draw a line, number line, okay? 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m. हर पॉइंट पे जो नंबर लाइन के हर पॉइंट पे जो भी नंबर प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ रूट के फॉर्म में होते हैं, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं ओके। लेकिन आप नंबर लाइन पे देख सकते हो जिसमें नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर सभी प्रेजेंट होते हैं ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक नंबर जो कि रूट फॉर्म में हो सिर्फ वही हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रूट फॉर्म्स में नंबर पॉजिटिव होते हैं ओके, नेगेटिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रूट फोर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 2 हो जाता है ओके। लेकिन रूट 2 जो कि इरेशनल है उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स नंबर लाइंस पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कोई भी नंबर्स जो माइनस में हो, जो फ्रैक्शंस में हो, वो भी नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स कि सिर्फ रूट फॉर्म वाले नंबर्स को हम हर नंबर्स को इन दिस फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये समझें कि इरेशनल नंबर्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर इज कैटेगराइज्ड इन 2 फॉर्म्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनमें कि जब भी हम कोई भी नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आफ्टर पॉइंट वो सॉल्व हो जाते हैं ओके। मींस उनमें आफ्टर पॉइंट सॉल्यूशन 0 आता है। लाइक 2/5 अगर आप इस नंबर को सॉल्व करोगे देन सॉल्यूशन इज़ 0.4 मींस इसका आपने आफ्टर पॉइंट सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स मीन्स जिसमें रिमाइंडर बिकम ऑलवेज 0। नेक्स्ट सेकेंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिस ऐसा नंबर जिसमें कि जब भी आप ऐसे नंबर्स जो नंबर्स आप सॉल्व करते हो उसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है ओके। इसे भी 2 पैटर्न में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकेंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 2/3 अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन इज़ 0.6666666 ऑन ओके। मीन्स ये क्वेश्चन में आपने पॉइंट के बाद देखा वैल्यू सॉल्व नहीं हुई, 0 नहीं आया, बल्कि इसमें एक पैटर्न क्रिएट हो गया 6666। जब भी कोई नंबर आफ्टर पॉइंट के बाद सॉल्व भी नहीं हो और क्रिएट अ पैटर्न दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ओके। बट अगेन लाइक 4.2134 कुछ भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। मीन्स उसमें ना तो कोई पैटर्न क्रिएट होगा और ना ही आफ्टर पॉइंट 0 आएगा ओके। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ओके। अब इस चार्ट में आप फिर देखो कि टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दीज आर रैशनल नंबर्स ओके। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें आफ्टर पॉइंट सॉल्यूशन 0 आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसे नंबर जिनमें आफ्टर पॉइंट सॉल्यूशन 0 तो नहीं आता है लेकिन एक पैटर्न क्रिएट होता है। लाइक 1/3 जिसे आप इसमें देख सकते हो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ओके। ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। ऐसे नंबर्स किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर्स ना तो पॉइंट के बाद 0 आते हैं और न ही पॉइंट के बाद इनमें कोई भी पैटर्न क्रिएट होते हैं, कुछ भी आ सकता है ओके। सो उसे हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई अगेन रिपीट, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसमें कि आफ्टर पॉइंट रिमाइंडर 0 आता है और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जिनमें कि आफ्टर पॉइंट 0 कभी नहीं आता है, और उन्हें भी हमने 2 फॉर्म में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो रिपीट होती हैं ओके, लाइक इन अ पैटर्न। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग्स आर दोज नंबर जिसमें आफ्टर पॉइंट वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती हैं, किसी भी तरह से आ सकती हैं, जस्ट लाइक जिनमें कोई पैटर्न नहीं होगा ओके। ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलेंगे। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग सॉरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर्स में पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो भी आती हैं उन्हें हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इस नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि सिर्फ इरेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक √3 √2 √5 लाइक दिस वैल्यूज़. ओके, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. सो आई अगेन सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या होता है? फर्स्ट, देयर इज़ नो रैशनल नंबर्स, देयर इज़ एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर्स, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरैशनल नंबर्स. जस्ट टेक टू नंबर्स. ओके, कोई भी आप दो नंबर्स ले सकते हो, लाइक 2 and 3. ओके, लाइक 200. ओके, आपने समझो इस तरह से कोई वैल्यू ली. ओके, अब आपको आप देख सकते हो इसमें हम 201/100, 202/100 से लेके 299/100 तक की वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो हम इसे देखकर इजीली कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो, चाहे वो क्लोज्ड वैल्यूज़ हो या वो क्लोज्ड वैल्यूज़ नहीं हो, उनमें कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. ओके, सो द आंसर इज सी. देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स. ओके, There are infinitely many rational numbers. Number 2, decimal representation of a real number cannot be. Option number first. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से नहीं लिख सकते. तो इन अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमने देखा रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. ओके, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए तो होगा नहीं. सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. यस, रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये हो सकता है. लेकिन ऑप्शन नंबर सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर फॉर्म. ओके, तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. देखिए ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर. ओके, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग हो, उन्हें हम रैशनल फॉर्म के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर इज़. कोई भी दो नंबर्स जो इरैशनल हो उनका प्रोडक्ट कैसा होता है. जस्ट टेक अ एग्जाम्पल, आपने दो नंबर्स लिए. ओके, दोनों ही इरैशनल होने चाहिए. ओके, उनका आपने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया. देखिए √6 मीन्स इसका आंसर क्या आया, इरैशनल नंबर. कोई और आप लेके देखो, लाइक √2 × √2. सॉल्यूशन क्या है, 2. तो आपने देखा आपने दोनों ही टाइम जो भी दो नंबर्स लिए वो इरेशनल ही हैं, लेकिन दोनों ही टाइम आपके आंसर डिफरेंट हैं. एक टाइम पे आपका आंसर देखो इरेशनल है एंड दूसरे टाइम पे आपका आंसर रैशनल है. इसका मतलब ये है कभी भी हम दो इरेशनल नंबर्स लेंगे तो उनका प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है. ओके, सो हमारा आंसर D is our correct answer. Question number next. Which of the following is irrational? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा नंबर है जो इरेशनल है. सो जस्ट सॉल्व, हर एक को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. ऑप्शन नंबर ए √4/9. जैसे कि आप देखते हो √4/9 का सॉल्यूशन क्या होगा, 2/3. दिस इज अ रैशनल. ऑप्शन नंबर बी √12/3. अगर आप इसे कट करो तो सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, √4 विच इज़ अगेन सॉल्व इज इक्वल टू 2 विच इज़ रैशनल ऑल्सो. ऑप्शन नंबर डी √81 जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, 9 विच इज़ रैशनल ऑल्सो. एंड ऑप्शन नंबर सी √7 इज़ अ इरेशनल वैल्यू जिसे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सो आंसर नंबर सी इज़ अवर करेक्ट आंसर. Question number 4. Which of the following is irrational? According to the definition of irrational, ऐसे number जिसे हम P by Q के फॉर्म में present नहीं कर सकते हैं और जो कि साथ में जिनमें कोई भी पैटर्न नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. ओके, सो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर. ए 0.14, दिस इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू जो कि रैशनल भी है. ओके, सेकेंड इज 0.1416. आप देख रहे हो 16 के ऊपर बार लगा है. इस बार का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ये बार लगता है वो वैल्यू रिपीट होती है. ओके, लाइक दिस, जो वैल्यू रिपीट होती है उन्हें हम फुल फॉर्म में नहीं लिख के जितनी वैल्यू रिपीट होती है ना उनके ऊपर हम बार शो कर देते हैं. मीन्स ये वैल्यू रिपीटिंग है जिनमें एक पैटर्न है, और अगर किसी भी नंबर में पैटर्न हो वो भी हम रैशनल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों नहीं होंगे. ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो बार बहुत पूरे नंबर पे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी वैल्यू ही रिपीट हो रही है. ओके, लाइक दिस, ये पूरी वैल्यू ही रिपीट हो रही है और उसे हमने इतने बड़े फॉर्म में नहीं लिखकर इस तरह से शो किया है. 0.1416 के ऊपर हमने बार प्रेजेंट किया है. ओके, ये वैल्यू भी रैशनल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है. ओके, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें देखो 0.4141 इसमें कोई भी पैटर्न ही नहीं है. ओके, और जब भी किसी भी नंबर में कोई पैटर्न नहीं हो जिसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकें, सिर्फ एनी कोई भी वैल्यू हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड अ इरेशनल नंबर. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर. Let's try some practical question. Question number first. Prove this root 5 is an irrational number. Very important, very basic question, जिसमें कि हम easily समझ जाएंगे irrational numbers किस तरह से present होते हैं. Okay? आप इस question में देख सकते हो सबसे पहले हमने value क्या ली है, root 5. इसे ये present करना है, हमें ये present करना है कि this is an irrational number. इसके लिए हम अपोजिट लेंगे. अपोजिट मीन्स हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 5 इज़, हम ये लेंगे, सपोज करेंगे रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. अगर हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इजीली कह सकते हैं दिस इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके, सो जस्ट सपोज रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. क्या सपोज करेंगे, रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. सो आप जानते हो रैशनल नंबर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. okay, वो co-prime होंगे, मतलब उनमें कोई भी common factor नहीं होगा. so firstly we will take square in both of the side. हम दोनों side पे square लेंगे. so जब हमने square लिया तो solution क्या हुआ, root 5 square is equal to p by q whole square, where root 5 को हमने solve किया तो 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ओके, एंड देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. देन हमारा सॉल्यूशन क्या बना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लुक हियर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. आप देख सकते हो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. ये 5 और q दोनों ही पी के फैक्टर हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होगा, 5 पे होगा. ओके, और उसके साथ कोई भी वैल्यू हो चलेगा. सो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. अकॉर्डिंग इन अ मैथ्स में कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी नंबर उसके स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो उसके नंबर का भी फैक्टर होगा. ओके, सो इफ़ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर देन 5 विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो. okay, if 5 is a factor of p square then 5 will be also factor of p. अगर 5 p का फैक्टर, p square का फैक्टर होगा, फैक्टर है, तो 5 p का भी फैक्टर होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पर डिपेंड है. ओके, ये हमने देखा कि 5 इज q square is equal to p square where 5 is the factor of p square then 5 will be the factor of p also. नाउ हम कोई भी वैल्यू 5 के साथ लेंगे, मीन्स आपने इसमें देखा 5 क्यू के साथ है, हम 5 के साथ अभी एनीथिंग अदर लेंगे. ओके सो हमने क्या लिया, पी इज इक्वल टू 5n, पी इज इक्वल टू 5n, 5 के साथ कोई भी वैल्यू चलेगी. एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की जो ये वैल्यू है ना हमने पुट कर दी इन प्लेस ऑफ हेयर. ओके 5q स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 5n होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25n स्क्वायर बाय 5. तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, दिस इज़ अवर सॉल्यूशन. हमने p की वैल्यू एफ 5n ली और उसको हमने इसमें पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन ये बन गया. ओके अगर इसमें हम ये कह सकते हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो इसमें भी हम बोल सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर ऑल्सो. ओके एंड इफ़ 5 विल बी द फैक्टर ऑफ p देन 5 विल बी द फैक्टर ऑफ q ऑल्सो. ओके वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके आपने देखा 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 5 विल बी द फैक्टर ऑफ q ऑल्सो. तो ये वाला और ये वाला आप ध्यान से देखो, दोनों में ही फैक्टर सेम है, दोनों में ही फैक्टर्स. ओके आपने देखा दोनों में ही पैटर्न सेम है और ये. ओके p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. ओके मैंने यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ. और दूसरा क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर. ओके आपने देखा दोनों ही p और q, अगर हम सिर्फ p बाई q लें ओके तो इनके जो हमने फैक्टर्स ये देखो, जबकि हमें पता है कि रैशनल नंबर्स में p बाई q फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फैक्टर्स कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, दे हैव टू बी नॉट अ कॉमन फैक्टर्स. ओके अगर कॉमन फैक्टर है तो मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है. ओके अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो दैट्स मीन वो इरेशनल नंबर होगा. अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके I again repeat this question because it's a solution. First हम सबसे पहले हमने क्या किया, let √5 is a rational number, हमने इसको अपोजिट प्रेजेंट किया ताकि अगर ये रैशनल नंबर प्रूव नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा. ओके let √5 is a rational number, if कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस, √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो हैव टू बी को प्राइम. ओके सो नाउ वी टेक स्क्वायर इन बोथ ऑफ द साइड, हमने दोनों साइड से स्क्वायर लिया विच आर √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू होल स्क्वायर. देन हमने उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या बना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर वेयर 5 is a factor of p square, then 5 will be also the factor of p. Now we take p is equal to 5n, 5 के साथ हमने कोई भी other value ली which is n here and present this value here, हमने इस value को इसमें present कर दिया. Okay तो हमारा equation ये बन गया. Okay इसके बाद हमारे पास ये दो वैल्यू मिली, इन दो वैल्यू के बेस पे आप जैसे कह सकते हो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर 5 सो 5 विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑल्सो. तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही कह सकते हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड 5 विल बी द फैक्टर ऑफ q ऑल्सो. ओके तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया लाइक दिस, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर ये वाली और दूसरी ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर. ओके आप देख सकते हो इसमें p एंड q की वैल्यू के जो फैक्टर्स हमने लिए हैं दोनों ही सेम हैं. ओके और जैसे कि रैशनल नंबर्स के फॉर्म में हम कभी भी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, दे नॉट हैव टू बी कॉमन फैक्टर, अगर उनमें कॉमन फैक्टर है तो उन्हें हम रैशनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ओके सो अगर ये हमारा प्रूफ रॉन्ग हो गया तो हम कह सकते हैं कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है बट अगर आप इसे इजीली सॉल्व कर सको, इसे एक दो बार आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 and √7। अब इस क्वेश्चन में आप देखो हम दोनों ही वैल्यू इरेशनल हैं। ओके, इनमें हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 and √7 को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, और हम इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा रूट लेंगे ये, और उसमें हमने उन वैल्यू को पुट कर दिया। सो √2 and √7 आंसर इज़ 14। ओके, आंसर इज़ 14। कभी भी अगर हम रूट हटाते हैं तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाता है, 1/2। ओके, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसमें 2 रूट हैं तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/4। सो आंसर एक हमारा इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 14 1/4 इज़ अवर फर्स्ट इरेशनल नंबर। अब आप इसमें क्या करोगे, इस इरेशनल नंबर को एक बार 2 के साथ सॉल्व करोगे और एक बार आप 7 के साथ सॉल्व करोगे, और आप चाहो तो और भी इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हो, जो भी नंबर्स आते जाएंगे। ओके, अभी हमें सिर्फ 3 निकालने हैं। सो √2 को हम 14 स्क्वायर 1/4 से को हम सॉल्व करेंगे। सेम फॉर्मेट अगेन हम इसको स्क्वायर बड़े स्क्वायर में लेंगे और उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो √2 अब √2 है और दूसरा क्या है, 14 पावर 1/4। तो हम अगर हम इसका रूट हटा दें तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2। और इसमें आप देख रहे हो एक तो √2 है और दूसरा इसका बड़ा रूट, तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1/4। और 14 का क्या हो जाएगा, 14 में 1/4 ऑलरेडी है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, तो हमारा इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/8। ओके, और दूसरा भी हम इसी तरह से निकालेंगे, जैसे हमने √2 और 14 का निकाला वैसे ही अब हम इन दोनों का निकालेंगे। सेम फॉर्मेट अगेन, टेक अ बिग बड़ा रूट लेंगे एंड देन सॉल्व, वैसे ही हम उसे सॉल्व करेंगे। सो 7 डबल रूट आंसर फ्रैक्शन इज़ 1/4 एंड दूसरा हमने क्या लिया, 14 सेम रहेगा। ओके, सो 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, एक 14 रेज़ टू पावर 1/4, सेकेंड ये पूरा और ये। ओके, ये हमारे 3 इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, √2 and √7। ओके, सबसे पहले हमने एक बड़ा सा रूट लिया, उनमें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, √2 और √7 को जब हमने सॉल्व किया, दिस इज़ 14। और आप देख रहे हो ये एक सिंगल रूट है। ओके, तो इसका अगर फ्रैक्शन फॉर्म में करते तो 1/2 आता है, और इसके साथ हमारा बड़ा रूट भी है तो ये एक और फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा, तो 1/2 × 1/2 हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4। ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक बार √2 के साथ सॉल्व करेंगे, √2 और 14 पावर इज़ 1/4। इसको हम पूरे को बड़े रूट में ले लेंगे। ओके, तो उसका देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। √2 का हम क्या लिखेंगे, ऐसे 2, और इसका फ्रैक्शन फॉर्म, ये √2 है तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 होगा, और बड़ा रूट है तो दोनों का मिला के क्या होगा, 1/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, √(1/4) एंड 14 में ऑलरेडी 1/4 है, और अगर हम इसका बड़ा रूट हटाएंगे तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 14 रेज़ टू पावर 1/8। वैसे ही हम √7 के साथ भी करेंगे। ओके, √7 वैल्यू हम अभी भले वही लेंगे। ओके, इज इक्वल टू, जैसे 2 का किया वैसे ही अब हम 7 का करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, और 14 का भी सेम हो जाएगा, 1/8। ओके, तो हमारे ये तीनों इरेशनल नंबर्स मिल गए हमें। ओके, ये हमारा उसका सॉल्यूशन है। ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.17 and 0.18। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे रैशनल नंबर्स में होता है कि हम उसमें इनफिनाइटली कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक फॉर्मेट होता है निकालने का। लेकिन रैशनल नंबर्स में हम अगर पॉइंट के बाद वैल्यू है तो कोई भी रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड मी ऑल्सो। ओके, हम जो चाहें लिखें, तो हमारा आंसर बस उनके बीच में होनी चाहिए वैल्यूज़। ओके, जो भी हमसे पूछी गई हैं, जैसे कि हम रैशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ओके, दो वैल्यू कोई भी, बस इनके बीच में होनी चाहिए। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। सेम प्रोसेस, कोई भी, बस ध्यान देना है इसमें हमसे इरेशनल नंबर्स पूछा गया है। अगर रैशनल नंबर पूछा जाता तो हम जैसे नॉर्मल फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करते, लेकिन इरेशनल नंबर्स में हम क्या करेंगे, हम वो वैल्यू ले लेंगे, लेकिन जो हमसे वैल्यू पूछी गई है वो 4 और 6 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आप या कुछ भी आप ले सकते हो, बस ये डैश जरूर लगाना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑल्सो है। ओके, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसका मतलब वो रैशनल फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए कोई भी आप वैल्यू, लेकिन बिटवीन 4 एंड 6 होनी चाहिए। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वेरी, दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक कन्फ्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, रूट पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये इरेशनल नंबर है, कुछ कहते हैं ये रैशनल नंबर है। अगर हम इसे 2/7 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर माना जाता है, और अगर उसे हम इस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इरेशनल नंबर होता है। वैसे तो पाई की वैल्यू यही होती है विच इज़ इरेशनल, लेकिन वी जस्ट टेक अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिलेटेड विथ 3.14। ओके, इससे रिलेटेड हम सिर्फ इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम रैशनल मानते। सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम इस वैल्यू को ले लें तो ये हमारी रैशनल नंबर ही माना जाएगा, लेकिन भले ही वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट की 22/7 इज़ अ रैशनल, बिकॉज वी जस्ट टेक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिलेटेड विथ 2/7। सो बट द रियलिटी इज़ रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड उम्मीद करती हूँ ये पूरा सेशन आपको ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।